बजाना उसका एक रूल होता है। कपड़ा पहनने का है उसमें भी रूल होता है, पहले चड्डी डालने का, बाद में बनियान डालने, बाद में शर्ट डालने, बाद में पैंट डालने। अभी तुम्हारे को बड़ा मूड है पहला पैंट डालने को, उसके ऊपर चड्डी डालने। अगर तुम ऐसा करेगा तो तुम फैंटम बन जाएगा, फैंटम फैंटम है ना, फैंटम, वो पैंट के ऊपर चड्डी पहन। तो सबका एक रूल होता है, एक टेक्निक होता है। बिल्डिंग बांधने का है तो पहला फाउंडेशन बांधने का, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड। तुम्हारे को बड़ा मूड है बोलते मैं पहला 11वां माला बांध, बाद में फाउंडेशन बांध, ऐसा नहीं, रूल होता है। उसी तरह से सेल्स करने का तो रूल्स होता है, रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा। ये एक संघर्ष है, ये एक संघर्ष है, और इसमें लगता है डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बाय हार्ट करके रट्टा रट्टा मार के उसको अपने को स्टेप्स ऑफ सेल करना पड़ेगा। तो इतना करेगा तो वो तुम्हारे को अटेंशन देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। अभी तुम्हें खाली उसका अटेंशन मिला, अभी उसको तैयार किया है, अभी वो सुनने के लिए रेडी हो गया। बोलता था तू सांग माला था काय विचारा था, विचार तू तो तैयार हुआ है। और तुमको क्या लगता है ये सब करने को आधा घंटा लगे? नो, 30 सेकंड, 40 सेकंड मैक्सिमम। सर आपका घर, आपका समय बहुत सुंदर, मैं इसलिए बता रहा था। अगर आप अभी मैच करो टाइमिंग, देखो अगर आप, तो जैसे एंट्री मारा अपन ने बोला सर मेरा शकी साहब, मेरा नाम संतोष नायर है, मैं फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट से आया हूं, आपका घड़ी बहुत सुंदर है सर। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने कई टाइप के घड़ी देखे, राउंड देखे, ये देखे, लेकिन ये जो ट्राइंगल टाइप घड़ी है ये मैंने कभी नहीं देखा सर, कौन सा है? तो तुमने बोला रेडो है, ये बहुत ही बढ़िया सर, आपके हाथ को और आपके पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा जचता है। छठी साहब मैं आज आया हूं आपकी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए, आपके लाइफ के बारे में बात करने के लिए, आपके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, और आप अपना फ्यूचर को और भी हसीन, रंगीन और पावरफुल कैसे बना सके इस मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूं। और मेरा विश्वास है कि इस बातचीत के उपरांत आप अपने लाइफ को एक नया अंदाज से जीने के बारे में आज ही डिसीशन लेंगे। ये पूरी कॉन्वर्सेशन करीबन 40 मिनट चलेगी, और सिंस आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सपोर्टर आपकी वाइफ होगी, मैं चाहूंगा कि आप भी उसको भी बुला लेंगे तो बहुत अच्छा बात होगा। और ये सब बातें समझने के लिए मुझे आपसे चंद सवाल करने पड़ेंगे। विल इट बी ओके इफ आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस? कितना टाइम लगेगा? नॉट मोर देन 30-40 सेकेंड्स, लेकिन सही स्टेप्स करोगे तो 40-50 सेकेंड से ज्यादा लगेगा नहीं। नाउ ये करते टाइम हमें वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे हम उसके घर में जब जाएंगे पूरी कॉन्वर्सेशन करीबन 40 मिनट चलेगी, तो बोलता 40 मिनट लगेगा, आप 10 मिनट में नहीं कर सकते हैं। तो बहुत दिल करता है बहुत सारे सेल्समैन का, क्योंकि ऑब्जेक्शन दे रहा, 10 मिनट में नहीं कर सकते। बोले सर बात अगर मेरे को आपसे मोबाइल फोन बेचने की होती, या बात अगर ये पेन बेचने की होती, या बात अगर कोई छोटा सा चीज दे के आपके जिंदगी से निकलने की बात होती तो मैं 10 मिनट में कर देता, लेकिन जो कि बात आपकी जिंदगी की, आपके बच्चों की, उनकी फ्यूचर के बारे में, और आने वाले 20-25 साल आप हमारे साथ जुड़ने के बाद कैसे आगे बढ़ सकते हैं और जिंदगी को कैसे हसीन बना सकते हैं, इन मुद्दों के ऊपर बात करना है। अगर हर साल के लिए भी 1 या 2 मिनट भी दे दिया तो आने वाले 25 सालों के तो मिनिमम 50 मिनट तो लगेगा ना। तो बोलता है अच्छा ठीक है तो चालू करो। वो ये देखना चाहता है कि तुम सचमुच में तुमको 25-40 मिनट चाहिए कि नहीं। वो तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है, वो बोलते 40 मिनट लगेगा, 15 मिनट में नहीं कर सकते हो? बहुत सारे लोग बोलते 15 मिनट में कर देंगे, ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हें 15 चाहिए तो 15 ही मांगो, और अगर 40 चाहिए तो 40 मांगो। तो 40 मिनट तुमने मांगा,
अगर वो बोलता है कि नहीं मेरे पास आज 40 मिनट तो है ही नहीं कामत साहब, आज है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम? अपन बोलेंगे तो फिर ऐसा करते कल सुबह 11 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, जब वो बोलता है 40 मिनट नहीं है तो हम पहले तो उसको हैंडल कर लेंगे, बोलते सर आपकी जिंदगी के बारे में बात कर लिए तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन जब कस्टमर बोलता है मेरे पास है ही नहीं और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, बहुत सारे लोग 10 मिनट में प्रेजेंटेशन चालू कर देते, ये उनका सबसे बड़ा गलती होता है। वहां पर उन्हें दूसरा अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, बोले सर कल सुबह मैं 11 बजे आपको मिलने को आता हूं, वहां पर वो दूसरा अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, लेकिन उसमें फिजिकल पेन होता है वापिस आने के, और वो फिजिकल पेन न लेने के चक्कर में हम वो 10 मिनट में वहां पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो संघर्ष उसमें है, मुझे मालूम है कि ये बच्चा इधर पैदा करने के लिए, फ्री इंडिया का एक बच्चा पैदा करने के लिए 45 मिनट्स लगेगा, पहला वो बोलता मेरे पास नहीं है, तो हम उसको समझाते हैं कि क्यों आपको 45 देना है, कई बार वो बैठ जाता है समझ के, लेकिन अगर सचमुच में उसके पास नहीं है तो दूसरा अपॉइंटमेंट लो, लेकिन बहुत सारे लोग वो फिजिकल, अरे आज उधर डोंबिवली से अपन कल्याण आए, वापिस डोंबिवली से कल्याण, कल वापिस जाने का और फिर खर्चा करके उसके घर में जाने का, ये जो दर्द होता है ये दर्द झेलने के लिए संघर्ष लगता है। बहुत सारे लोग वो दर्द झेलना नहीं चाहते, बोल के बोलते यार इसको अभी 10 मिनट में पटा डालते, इसको फिनिश कर देते और बराबर फिनिश ही हो जाता, बोले उसको जल्दी से काम कर देते। तो कभी भी देखो माय डियर फ्रेंड्स, उल्लंघन नहीं करना, सेल्स की उल्लंघन करोगे तो सेल्स तुम्हें झपड़ मारेगा। कोई कोई बोलता है नहीं नहीं मेरी वाइफ को बुलाने की जरूरत नहीं, आप मेरे को समझा दो, वहां पर भी आप उसको बोलने का कि आपकी वाइफ अगर आज आप जो काम कर रहे हैं उसमें उसकी बहुत सपोर्ट की जरूरत लगेगी, कई ऐसे वारदातें होंगे जहां पर आपका इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कम होगा और ऐसे टाइम पे आपको उसकी सपोर्ट की जरूरत होगी, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, इंसिस्ट करने की जरूरत नहीं, अगर वो आ जाती है ठीक है। इस तरह से अगर कोई मोबाइल बंद करने से इनकार करता है तो ये नहीं बोलना बंद नहीं करेगा तो चालू नहीं करेगा, अपना रूल है, ऐसा नहीं है, हम जितना अच्छी तरीके से उसे समझाएंगे तो बंद करेगा ही करेगा, 100 में से 5-8-10 आदमी ऐसे निकलेंगे जो नहीं करेगा, छोड़ो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करना, क्योंकि मोबाइल बाद में बजी तो प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर मोबाइल बज के वो अगर कुछ दूसरा प्रॉब्लम नहीं भी हुआ, अगर वो दूसरा जैसे मैंने कहा कि मोबाइल बजा तो उसको प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम नहीं भी हुआ, कोई खुशी की खबर रहेगी कि उसका बहन को बच्चा हो गया, वो खुशी में इतना पागल हो गया बोला फ्री इंडिया तेल में गया, तो या तो खुशी से बोलता फ्री इंडिया हो गया तेल लेने, या उसे लग गम में बोलेगा कुछ ना कुछ बोल के तेरा जरूर लेगा, वो तेरे को मारेगा जरूर, देयरफॉर उसके मारने के पीछे यही एक चीज थी, इसे बंद कर, इंसिस्ट करो, नहीं करता तो छोड़। हाँ जी, अपना अपना मतलब ऐसा भी नहीं बोला सर मोबाइल बंद करता क्या, बोले नहीं अच्छा बिल्टी उसको समझाओ कि भैया मोबाइल हमारी एक बहुत बड़ी 20-25 साल की हमारी जो रिश्ते बनने वाले हैं, एक बहुत जबरदस्त जिंदगी जो हम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ये जिंदगी को बनाने के लिए मोबाइल कितना बड़ा बाधा बन सकता है, इस बात को समझाओ। ऐसा नहीं बोलने का सर एक काम करो जरा बीवी को बुलाओ टाइप है, तो बोले क्या 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 करने का क्या है, ऐसा नहीं बुलाने का, उसका एक बुलाने उसको उसको एक तैयारी करने का है, उसका एक तरीका होता। सो आपको मिल गया अभी कस्टमर का अटेंशन, अब आपको करना है प्रोबिंग, यानी कि इंटरेस्ट पैदा करना है। अब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये जो अपने पास जो उसको देने का है उसके ऊपर इंटरेस्ट पैदा करने का है,
और इंटरेस्ट पैदा करना है, उसके बाद ही हम अपने कंपनी के बारे में बात करेंगे सपोर्टिंग में, और उसके बाद हम उसको क्लोजिंग करेंगे एक्शन के लिए। तो हम चलते हैं उस दुनिया में जिसका नाम है प्रूविंग। अब उसको 8 क्वेश्चन पूछ के, हमने उसको लास्ट 8वां क्वेश्चन ये पूछा कि नायर साहब, शेट्टी साहब, अब मैं आपसे चंद सवाल करना चाहूंगा जिससे कि आपकी लाइफ के बारे में मुझे एक आइडिया आ जाए। तो इसके लिए जब बोलता हूं पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन उसकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स पूछने के पहले रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है, और रिश्ते बनाने का मैंने हमेशा ये देखा है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है रिश्ते बनाने के 4 क्वेश्चंस। सबसे पहले उसको पूछो, सर आप रोज सुबह बेड से उठते क्यों? Why do you get out of bed every day? और फिर उसके चेहरे पे देख के बैठ जाने का, और एकदम सीरियसली पूछते, नायर साहब ये बताइए कि आप रोज बेड से सुबह उठते क्यों? बहुत सारे लोग वहां पर सोचने के लिए मजबूर होते, और कोई लोग बोलते हैं यार उठता क्यों है, मतलब सुबह हो गए तो उठना ही पड़ता ना। तब तुम्हें समझ में आएगा उसकी जिंदगी कितनी छोटी है। बोलता है रोज उठता था, पिछले 40 साल से सुबह उठता हूं, उसके लिए रोज उठता हूं, और इसलिए उठता हूं क्योंकि कल भी उठा था, परसों भी उठा था, उसके लिए आज भी उठा। तो लोग ऐसे स्टूपिड आंसर्स भी देंगे, कुछ बोलने का नहीं, लिखने का, एक कागज के टुकड़े पे वो जो बोलता लिखने का, और फिर तुम क्यों सुबह उठता है ये बताने का उसको। थोड़े दिन पहले जब मैंने सोडेक्सो पास बोल के एक $12 बिलियन उसका सीईओ को मैं पर्सनल काउंसलिंग करता हूं, मिस्टर रवि सक्सेना बोल के, उसको मैंने पूछा, और उसका काउंसलिंग चालू करने के पहले मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि मेरे को सक्सेना साहब ये बताइए कि आप सुबह उठते क्यों? उसने यही बोला, सुबह उठता हूँ क्योंकि सोडेक्सो में आना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और बहुत सारी जिम्मेदारी है निभानी पड़ती है। मेरे को पूछा क्यों, मतलब नहीं मैं ऐसे पूछ रहा था क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि मैं सुबह क्यों उठता हूं। मैं सुबह इसलिए उठता हूं सक्सेना साहब ताकि मेरा किया हुआ काम की वजह से ये दुनिया और भी अच्छी हो जाए। मैं सुबह इसलिए उठता हूं ताकि मैं एक इंडियन को प्रोत्साहित कर सकूं जिंदगी में लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मैं सुबह इसलिए उठता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए रोज सुबह उठता हूं। अब मेरे को ये बताइए आप सुबह क्यों उठते हैं? तो वो फिर पहली बार लाइफ में सिर्फ खाली उठना ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे समझ में आता, लेकिन वो सोचने के लिए तब मजबूर होएगा जब आपके पास उठने का एक पावरफुल रीजन होगा। तो अगर आज आपके पास सुबह उठने का कोई पावरफुल रीजन अगर नहीं है, तो आज रात जाके तुम पहला ये डिसाइड करो कि तुम सुबह उठता क्यों है। और एक बार वो तुम्हारा पक्का हो गया कि तुम्हारा उठना क्यों है, तो फिर गली गली में जब आदमी को तुम ये क्वेश्चन प्रोबिंग में पहला क्वेश्चन पूछते हो, और जब तुम्हें वो सारा फालतू 4 डायलॉग मारता है, तब तुम्हारा उठने का पीछे उसको कारण बताओ, और वो कारण इतना मजबूत होना चाहिए कि उसका सुबह उठने का कारण बहुत हल्का और फीका उसको लगना चाहिए। वहां पर वो तुमसे रिश्ता बनाने के लिए पहला बार सोचेगा। Are you with me? Yes. क्योंकि
क्योंकि अगर तुम भी उसके मफत ही रोज सुबह उठता है। बोले वो बोला मैं भी उठता हूं सुबह, क्योंकि सुबह होती तो उठना ही पड़ता है सर, मेरा भी ऐसे ही। तो फिर तुमसे जुड़ने का उधर ही कार्यक्रम खलास हो गया, क्योंकि तुमसे जुड़ के मेरे लाइफ में उठने का सिलसिला तो बदलने वाला नहीं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एंड देयरफॉर यू नीड टू हैव अ वेरी पावरफुल रीजन व्हाई यू नीड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। बहुत पावरफुल रीजन होना चाहिए, बहुत ही पावरफुल रीजन। और एक 18-19 रीजन बनाने के बाद जो 4-5 आपको बहुत मस्त लगता है उसको उठाओ। आपने भी कभी नहीं सोचा रहेगा कि मैं क्यों उठता हूं करके, आज मैंने भी आपको सोचने के लिए मजबूर किया। इसी तरह से जैसा मैंने अभी आपको सोचने के लिए मजबूर किया, आप उसको सोचने के लिए जब मजबूर करेंगे तो गेम शुरू होगा। सेकेंड क्वेश्चन उसको पूछो, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी लोग आपके जीवन में कौन है, मुझे बताइए मिस्टर शेट्टी कि हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड। आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है? निश्चित रूप में 90% लोग बोलते मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा चर्च, मेरा नमाज, मेरा ये, मेरा वो, व्हाटएवर। तो उसको तैयार कर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी माँ, उसके बाप के बारे में उसे याद दिला रहे। उस आदमी को जो 11 बजे कोई और मूड में बैठा हुआ है, तैयार कर रहे हैं उसको रिश्ते बनाने के लिए, रिश्ते जुड़वाने के लिए। हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड। और जब वो बोलता है तुम्हें लिखना, एक एक शीट बना देना। Why do you get out of bed? तो वो जब बोलता है वो लिखना है। Second question जब आप पूछते हो, वो जब बोलता है तो आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्यों लिखना है? क्यों लिखना है? वो बोल रहा तो आप सुन भी सकते ना, आप लिख क्यों रहे एक बाय एक पॉइंट? हाँ? Because you are serious. Serious about what? His life. लिखने से आप ये साबित करते हैं कि तेरा बोला हुआ हर चीज को मैं लिख रहा हूं, क्योंकि लिखने से अपन उसको बता रहे हैं कि हम यहां टाइम पास नहीं कर रहे। We are giving him that seriousness of the whole thing. तीसरा क्वेश्चन उसको ये पूछने का, अपना हिंदी मराठी में ही पूछने का उसको, What do you really love about your life? मैंने जब इनको पूछा, What do you really love about your life? आप अपने जीवन के बारे में क्या पसंद करते हैं? What do you love about you? किस चीज से आपको मोहब्बत है आपके जीवन की? आपके जीवन में किस चीज से आपको मोहब्बत है? What do you really love about your life? जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही हल्का फुल्का आंसर दिया उन्होंने। फिर मैंने पूछा, मैंने तो जब जब वो जो आंसर देते ना, ताबड़तोड़ तुम्हें उनको अपना आंसर देने का, What do you really love about your life? और मैंने उसको कहा कि What I really love about my life? 21 साल हो गया मैं हिला नहीं। What I really love about my life is मैंने अपने माँ बाप को वो सब दिया जो उनके माँ बाप ने उन्हें नहीं दिया। What I love about my life is मैंने अपनी बीवी को वो दिया जो वो किसी और से शादी करती तो उसको नहीं मिलता। What I love about my life की मैंने अपने बच्चों को वो दिया जो बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप नहीं दे पाते। What I really love about my life की इन 40 सालों में मैंने अपने enthusiasm को हाई रखा। What I really love about my life is पिछले 21 सालों में लगातार मैं एक जीतता रहा, जिंदगी भर में सक्सेसफुल रहा और जिंदगी भर में आगे बढ़ता रहा। What I really love about my life is मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी थका नहीं। What I really love about my life is my physical enthusiasm. What I really love about my life is मैंने अपने काबिलियत को लगातार बढ़ाया। What I really love about my life is मैंने अपने हुनर और कौशल्य को लगातार बढ़ाया। What I really love about my life is मैंने अपनी बोलने की क्षमता को बढ़ाया। What I really love about my life is एक के बाद एक संघर्ष करके मेरी जिंदगी के हर सपने को मैंने पूरा किया। What I really love about my life is एक कार के बाद दूसरा कार
के बाद तीसरा कार मैंने लिया. What I really love about my life is मैं one bedroom hall kitchen से two bedroom hall kitchen गया और वहाँ से मैं three bedroom hall kitchen के तरफ गया. What I really love about my life is मैं लगातार continuously पैसा बनाता गया. पहला 5,000 कमाता, फिर 50,000 कमाया, फिर मैंने 5,00,000 रुपया कमाया. What I really love about my life कि मैं मेहनत करने से आज भी नहीं डरता हूँ. This is what I love about my life. और मैंने अपने जीवन में मेरे माँबाप के हर सपने को साकार किया. This is what I love about my life. आप बताइए सर, what do you love about your life? So आपके पास एक powerful reason होना चाहिए उसको देने के लिए. और जब वो बोलता है लिखो, उसके बाद आप अपनी कहानी पेश करो. और लास्ट रिलेशनशिप का चार क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड. इस दुनिया से जाने के पहले आप क्या करना चाहते हैं सर? व्हाट डू यू वांट टू डू बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड. इस दुनिया से जाने के पहले आप क्या करना चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन चार क्वेश्चन से क्या लगा? आपको क्या एहसास हुआ? उसका जिंदगी का दिनचर्या बदल दिया आपने? ओके, यस. वो अपने आप में बुरी तरह और हम उसके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए. उसको सेल्फ एनालिसिस करने पे आपने मजबूर कर दिया कि उसका जीवन का रहने के पीछे कारण क्या है, वो जिंदा क्यों है, वो उठता क्यों है, उसे क्या करना है. दुनिया से जाने के पहले उसे याद दिलाया गया उसके सपनों को, जो शायद किसी एक जमाने में उसने सोचा था, जिसके जो अभी उसने दबा दिया, मार डाला, क्योंकि जिंदगी की तकलीफों ने, जमाने की मार, जिंदगी की ठोकर ने, लाइफ के तकलीफों ने, उसकी एक छोटी सी लाइफ, वो किधर चाल में रहता था, किधर उस लफड़े में, वो मिल में काम करता था, उसके मिल के दोस्तों ने सब मिलके उसके जो जिंदगी के जो सपने थे, जो जवानी के दिनों में उसने अगर देखे भी थे, वो सब खुलासा हो गया. हमने उसे जीने का एक नया कारण दिया. जब आपके पास और जब उसके पास जीने का एक नया कारण होता है, तभी आदमी कुछ नया करने के बारे में सोचता है. कारण के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता. जस्ट बिकॉज आप उसके घर में गए, उसका आपके साथ जुड़ना जरूरी नहीं है. जस्ट बिकॉज मैं आपके घर में आता हूं बेचने के लिए वैक्यूम क्लीनर, आपका खरीदना जरूरी नहीं है. जस्ट बिकॉज मैं आपकी जिंदगी में आता हूं ट्रेनिंग देने के लिए, आपको मेरी ट्रेनिंग लेना जरूरी नहीं है. लेकिन जब आपको कारण मिल जाता है अपनी जिंदगी में और उस कारण के लिए मेरी ट्रेनिंग की आवश्यकता नजर जब आती है, तभी ट्रेनिंग आपके लिए आवश्यक हो जाती है. अदरवाइज आपकी जिंदगी में ट्रेनिंग का कोई महत्व ही नहीं है. आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? सो ये चार क्वेश्चन पूछने से वो अटेंशन से बैठा हुआ आदमी को हमने अब सोचने के लिए मजबूर कर दिया. नॉट ओनली सोचने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए. हमसे रिश्ता बना, क्योंकि मेरा उठने का कारण तेरा उठने का कारण से कहीं बड़ा है. मुझे लाइफ में क्या क्या करना है वो बता दिया. मैंने क्या क्या किया और मुझे मेरी जिंदगी के बारे में क्या क्या चीजें पसंद है वो मैंने बताया. तो उसे महसूस कराना है कि तुझे भी बहुत सारी चीजें करना बाकी है. स्टार्टिंग के दिनों में, आने वाले 2-3 महीनों में जब आप ये करते होंगे, तो आपको थोड़ा हिचकिचाहट होगा, थोड़ी आपको भी नकलीपन लगेगी, क्योंकि आपका भी उठने का कारण वही था जो उसका था. तो आपको थोड़ा एक अचरज लगेगा कि कैसा मैं बात कर रहा हूं, कि मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सचमुच में मेरा उठने का कारण ये तो पहला कभी था ही नहीं. कोई बात नहीं, हमें इस नकलीपन के दौर से भी गुजरना पड़ेगा और हमें उसे एहसास दिलाना. जैसे आज मैं इन चारों क्वेश्चन के बारे में जब बात करता हूं तो आदमी लोग हिल जाते हैं,
क्योंकि ये मेरा सचमुच में उठने का कारण था और मुझे मरने, मेरे को जब लोग पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू अचीव बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड, तो लोग चार पांच डायलॉग मारते हैं, मैं बोलता हूं बिफोर आई गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड आई वांट टू क्रिएट द बिगेस्ट ट्रेनिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, बिफोर आई वांट टू गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड 2020 में बाय 2020 स्मार्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज जो मेरी कंपनी है वो इंडिया और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस सप्लाई कंपनी में बनाना चाहता हूं। बिफोर आई गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड 30 लोकेशंस में इंडिया में मैं अपने सेंटर्स को चालू करना चाहता हूं। बिफोर आई गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड स्मार्ट सेल्स क्लब बोल के क्लब सेल्समैन लोग के लिए बहुत बढ़िया क्लब मैं चालू करना चाहता हूं। बिफोर आई गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड स्मार्ट फाउंडेशन बोल के अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए मैं एक संस्था बनाना चाहता हूँ। बिफोर आई गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड मैं इतना पैसा अपने घर में डाल के जाना चाहता हूँ कि 100 साल तक मेरे मरने के बाद मेरा फैमिली का एक भी मेंबर को कभी काम न करना पड़े, ऐसा मैं उनको पैसा अपना कार्यक्रम किया है एंड देयरफॉर मेरा जीने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो मुझसे बड़ा है। मैं सुबह उठ के इसलिए लिखता हूं ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट करूं और अपने बीवी बच्चों का रोटी पानी का बंदोबस्त करूं। मैं सुबह इसलिए उठता हूं कि बहुत सारे लोगों को जीवन बनाना है और वो जीवन बनाने के लिए उन्हें संघर्ष करने की प्रोत्साहन देना है, उस मिशन से मैं सुबह उठता हूं। दैट इज द क्रक्स। तो मेरा सुबह उठने का रीजन मुझसे बड़ा है। मेरा जीने का और मेरे मरने के पहले करने का कार्यक्रम मुझसे बड़ा है। जब आपका इस तरह का एक जिंदगी बन जाती है, जब आप इस तरह से जब सोचते हैं, तभी आप दूसरों के जीवन में इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, तभी आप दूसरों के जीवन में प्रभाव ला सकोगे, तभी आप दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला पाओगे, तभी आप दूसरों के जीवन में उन्हें सोचने के लिए आप मजबूर तब कर सकोगे जब आपका जीवन का कारण आपसे बड़ा होगा। तब तो हमने रिश्ता बनाने का 4 क्वेश्चन उसको पूछ लिया। अब वो एकदम फिट हो गया। अब उन्हें 4 डिफरेंट क्वेश्चन पूछने हैं। 4 क्वेश्चन, पहले सिचुएशन क्वेश्चन, स्पिन क्वेश्चन बोलते हैं उसको। पहला उसका सिचुएशन के बारे में जानने का। अभी रिश्ता बना लिया या रिश्ता बनाने के बारे में बीज तो हमने बो दिया, अब वो भी उठ के भागने के मूड में नहीं है, अब 45 मिनट बैठ के हमसे बात करने का एक मूड में बैठा है। ऐसे में हम उसको 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। पहले हम उसकी जिंदगी के सिचुएशन के बारे में, उसकी जो परिस्थिति है उसके बारे में बात करें, उसकी प्रेजेंट परिस्थिति को समझने की कोशिश करें, किस परिस्थिति में अपनी जिंदगी को बिता रहा है, क्या है उसकी बीवी और बच्चों की परिस्थिति, घर का परिस्थिति, उनका एजुकेशन का परिस्थिति, उनका जीवन का क्या परिस्थिति है, सिचुएशन क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। उस जिंदगी की परिस्थिति में हम उसको पूछेंगे प्रॉब्लम क्वेश्चंस। वी विल आस्क हिम क्वेश्चंस विच आर नोन एज प्रॉब्लम क्वेश्चंस। प्रॉब्लम क्वेश्चंस यानी कि इस परिस्थिति में वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर मेरा बच्चा है 15 बरस का और उसको आगे पढ़ाने का, ये मेरी परिस्थिति है, तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है उसको पढ़ाने के लिए, ये मेरी परिस्थिति से आया हुआ एक समस्या है। अब मैं घर में रहता हूं 1 बेडरूम हॉल किचन, और मेरे घर में 3 बच्चे हैं, मदर है, फादर है, ये है, ये मेरी परिस्थिति, तो मुझे कुछ भी करने को नहीं मिल रहा है, पढ़ने को नहीं मिल रहा क्योंकि घर में जगह ही नहीं है, ये मेरी परिस्थिति है। मेरी परिस्थिति की वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं,
इस प्रॉब्लम्स का एहसास दिलाना, उसकी समस्याओं का एहसास दिलाना, उसकी परिस्थिति का एहसास दिलाना, उस परिस्थिति में आने वाले या अभी जो प्रॉब्लम चल रहे उसका एहसास दिलाना, और फिर उस परिस्थिति का प्रॉब्लम्स को न सॉल्व करने वाले से आने वाले परिणाम, अगर मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो इसमें आने वाले इंप्लीकेशन, अगर मैंने को मेरे बच्चे का पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए, 5 लाख या 3 लाख या 2 लाख चाहिए, और अगर ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं किया तो इस प्रॉब्लम से आने वाली इंप्लीकेशन यानी कि परिणाम क्या होगा, इसे याद दिलाना है। और फिर अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करने के लिए फ्री इंडिया के साथ जुड़े और मेहनत का एक नया सिलसिला अगर आपने शुरू किया तो इस से आपको क्या नीड पे ऑफ होगा, उस समाधान का मूल्य उसे बताना पड़ेगा। तो चलते हैं उस दुनिया में जहां पर हम उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन क्वेश्चंस, सिचुएशन क्वेश्चंस यानी कि फाइंडिंग आउट फैक्ट्स अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स एग्जिस्टिंग सिचुएशन, उसकी प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में जानकारी लेना, उसकी परिस्थिति के बारे में जानकारी लेना। सो हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे हजारों एग्जांपल है लेकिन मेरे को ये 2-3 घंटे में ये सब करना होगा नहीं, तो एक एग्जांपल लेता हूं और आप देखेंगे उसमें मैं सिचुएशन क्वेश्चन कैसे पूछता हूं। इस प्रैक्टिस से आएगा, देखो आज खाली इधर आके बैठ गए, इधर ताली बजाया तो ये सब आने वाली नहीं है, इसमें भी बहुत क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे को ये सब समझने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ा, बोल के मैंने वो संघर्ष किया, वो फिजिकल संघर्ष जो पेन है मैंने वो लिया, बोल के मुझे ये सब समझ में आती है। जैसे हम बोलते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे, इसकी सिचुएशन को समझ रहे, नायर साहब आपके कितने बच्चे हैं, तो वो बोलता है मेरे 2 बच्चे हैं, क्या उम्र है उनका, तो बोलता है मेरा लड़का का उम्र है 15 और लड़की का उम्र है 12। ठीक है, तो बता दिया उसने, व्हाट इज योर ड्रीम फॉर योर सन, आपके बच्चे के बारे में आपका, आपका जो लड़का है इस लड़के के बारे में आपके क्या सपने हैं। तो जनरली आदमी क्या बोलता है, का एक सपना काय नहीं, कभी त्याच्या बद्दल विचारत नाही केलं, छोड़ने का नहीं। बोले व्हाट इज योर ड्रीम फॉर योर सन, बोलता मैंने कभी सोचा ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, ये बताइए सर उसे क्या बनाना चाहेंगे आप, इसे क्या बनाना, ये 15 वर्ष का जो आपका लड़का है जो अभी कॉलेज में पढ़ता है, इसे आप क्या बनाना चाहेंगे। तो बोलता है सच बोलू मैंने कभी नहीं सोचा संतोष इसके बारे में। बोले कोई बात, ये बताइए सर अगर उसे 1 घंटा मिल जाता है, अगर उसे 1 घंटा मिल जाता है तो ज्यादातर कौन से कामों में वो ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है। अगर उसको 1 घंटा देवे, बोले बेटे को बोलता है जा राहुल खेल या जो करना है, तो वो कौन सा दिलचस्पी दिखाता है। तो कोई ये बोल सकता है हाँ उसको, मेरे को है ना उसको 1 घंटा मिल जाए तो ड्राइंग बीइंग करने को चालू कर देता है, फिर वो ड्राइंग के हिसाब से ब्लॉक बनाता है, पहले ड्राइंग बनाता है फिर वो ड्राइंग के हिसाब से ब्लॉक्स बनाता है और कार्डबोर्ड से वो ऐसा सब डिजाइन करता है। तो हम उसको अगला क्वेश्चन पूछेंगे, ये कौन सी प्रोफेशन की तरफ इसका एक झुकाव चल रहा है नायर साहब, कौन से प्रोफेशन की तरफ इसका एक झुकाव चल रहा है। तो जनरली आदमी क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, आर्किटेक्ट बन, करेक्ट। तो बोलेगा कि मेरे को लगता है कि उसको एक आर्किटेक्ट बनने का, ये रीजनेबली पढ़ा लिखा आदमी की बात कर रहा हूं मैं, एकदम ग्रास रूट लेवल का रिक्शा वाले को पूछेगा तो वो ये नहीं बोलेगा, उसको अलग सा परिस्थिति होता है, उसकी परिस्थिति के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछने का। तो मैं जो इधर दिखा रहा हूं एक एग्जाम्पल है आपको अपनी बनानी, मैं बोल रहा हूं रीजनेबल मिडिल क्लास एक आदमी के घर में जाओ उसकी बात कर रहा हूं, तो
तो वो बोलता है हाँ मेरे को लगता है कि वो एक आर्किटेक्ट बनने के बारे में सोचते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट नायर साहब, मैं वो बोलने वाला था, आपने बोल दिया। अब कब ये कोर्स चालू होगा सर? ये कोर्स चालू कब होगा? ये आर्किटेक्ट का जो कोर्स है ये चालू कब होगा? तो बोलता है आज से अगर उसको करना है तो 4 साल के बाद जब 19 बरस का होगा तब चालू होगा। करेक्ट सर। आपको क्या लगता है ये कोर्स करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? तो बोलता है मुझे तो नहीं मालूम, अंदाज से बताइए। तो बोलेगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख। तो आप जब देख रहे हैं ये उसकी सिचुएशन, ये उसकी परिस्थिति है कि एक बेटा है, बेटा जवान हो रहा है, बेटे की पढ़ाई करनी है और उसके चंद सपने हैं, ये उसकी परिस्थिति है, सिचुएशन ये आपने समझा। अब आते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन की तरफ। परिस्थिति के बाद आपको समझना है इस परिस्थिति में उसे क्या प्रॉब्लम्स है। तो हम बोलते हैं asking about problems, difficulties or dissatisfaction that the buyer is experiencing with the existing situation. Uski problems kya hai situation? For example, hum usko bolte hai sir, is education ke liye aapne kya provision kiya? Aap bol rahe hai ki 3 lakh rupaye ki zarurat padegi. Kisi ki beti hoti hai to uski shaadi ki baat hoti hai to वो लेवल पे आप उसकी परिस्थिति को समझ। अगर बेटी अगर 15 बरस की है तो आप उसको बोल सकते हैं कि इसकी शादी कब होने वाली है, तो उसकी पर बोले हमारे में तो 19-20 में तो हो जाता है। तो वो परिस्थिति बना के उस परिस्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछने। जनरली शादी में कितना खर्चा होता है? इस बोलते हैं हमारे शादी में तो 3-3.5 लाख तो खर्चा है। ये परिस्थिति समझने के बाद उसको उस परिस्थिति से आने वाली प्रॉब्लम वो पूछने का। तो फिर ये 3.5 लाख का आपने क्या बंदोबस्त किया? जैसे हमने उसको पूछा तो 11 बजे बेचारा अकाउंटेंट संतोष नायर, जो छोटे मोटे कंपनी में 20,000 रुपए या 15,000 रुपए का या 14,000 रुपए का नौकरी करने वाला ये आदमी, कि सडनली 3.5 लाख का प्रॉब्लम खड़ा हो, जो सुबह था नहीं 11 बजे। वो ये सोच के बैठा था कि किसी जमाने में शादी आप हो जाएगा। What provision have you made for this? जब हम उसको पूछते हैं तो उसके सामने प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। तो पहला हमने सिचुएशन समझा, बाद में उस सिचुएशन से आने वाली प्रॉब्लम उसको हम पूछे। डज योर प्रेजेंट इनकम अलाउ यू टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी? आपका जो प्रेजेंट इनकम है, आपका जो प्रेजेंट इनकम है, जो आप रिक्शा चला के बना रहे हैं या अकाउंट्स का काम करके बना रहे हैं, क्या वो पैसे से आप उतना पैसा बचा पाएंगे? फिर प्रॉब्लम खड़ा हो गया। पहले तो 3.5 का फिगर फिरा दिया और बाद में हमने बोला क्या बंदोबस्त किया? बोले कोई बंदोबस्त नहीं किया। तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया। सिचुएशन है, सिचुएशन से प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अब इस प्रॉब्लम से Does your present income allow you to make that kind of money? तो बोलता है नहीं। तो फिर हम पूछते हैं आप इस funds का बंदोबस्त कैसा करेंगे? और पूछ के हम चुपचाप बैठे हैं उसको देख के, इस बंदोबस्त कैसे करेंगे सर? तो सिचुएशन खड़ा हो गया, सिचुएशन के सामने क्या खड़ा हो गया? प्रॉब्लम खड़ा हो गया। ऐसे हर आदमी की अलग अलग सिचुएशन होती है और हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। बिजनेस का तो बात ही नहीं हुआ बॉस, कहां FIC, क्या बाइनरी प्लान, ए प्लान, BAB, डिस्ट्रीब्यूटर 500 500 1000, नीचे ऐसा, ये एंगल डिंगल। तो लेंगे अपन, वो अपना मन के पीछे है कि इसको अंदर लेने का है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए एंट्री मारते वो सोच रहा है कि खिड़की से उड़ी मारूं कि भाग जाऊं। अब
अपन उसको अंदर ले रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं उसको। इसको बोलते हैं पुलिंग पावर, पुलिंग पावर बोलते हैं इसको। आदमी को अपने तरफ आकर्षित करने का आपका एक 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 तरीका, एक टेक्निक। नहीं तो हम एंट्री मारते बोले देखो अच्छा कंपनी है, आपका आपका बच्चा है ना, बच्चे का एजुकेशन करना पड़ेगा, बच्चे का एजुकेशन में बहुत खर्चा आएगा, अभी बीवी है, बीवी का शादी करना पड़ेगा, उसका भी बहुत खर्चा होगा, आपका डॉक्टर है, डॉक्टर का शादी करना पड़ेगा, आपको टीवी लेना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा, आपको घर लेना पड़ेगा, फ्रिज लेना पड़ेगा, आपके पास बाइक भी नहीं है, बाइक लेना पड़ेगा, आपके पास कार भी नहीं है, कार लेना पड़ेगा। वो बोलते तेरे को इतना प्रॉब्लम है तो तू ले, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है कि मैं लेने का, क्योंकि मेरे को तो लेने का है ही नहीं, तू आया बोल के मैं ये सब लेने को चालू करूं क्या? तो बहुत जन को क्या है, टेलिंग और सेलिंग में फर्क होता है, टेलिंग और सेलिंग में फर्क होता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सेलिंग है, जो हम लोग ज्यादातर करते हैं एंट्री मारते कट 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 कर जो घूमे आए बोलने को चालू कर, टेलिंग चालू है। अभी क्या होता है एकदम स्पीड में अपन बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत कुछ अपन बोलने के टाइम में अपने को क्या लगता है एकदम जबरदस्त कंट्रोल है अपन। तुम्हारा कंट्रोल खाली तुम्हारे ऊपर हो तो उसके ऊपर नहीं है। तो टेलिंग में क्या होता है, देखो फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट 4 साल पुराना, इधर हमारे सनी शेट्टी है ना ये एकदम करोड़पति है, इधर कोरगांव का करोड़पति है, उधर जोशी सब करोड़पति है, इधर ये है हम लोग 10 लाख आदमी लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, ये है वो है हमारा टीएससी है, ये है वो है, हम लोग आईएसओ 9000 है, आदमी लोग इधर आते ही एकदम करोड़पति बन जाते, टका 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 टेलिंग 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 टका 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 टका, आदमी बोल बोल के बता मजा आएगी नहीं बोलता है, मजा सिर्फ एक ही कुत्ते को आया है, इसको तुमको सला, उसको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसकी परिस्थिति तुमने समझा नहीं, उसका सिचुएशन तुमने समझा नहीं, उसका सुबह उठने का कारण तुम्हें मालूम नहीं है, वो मरने के पहले क्या करना चाहिए वो तुमको, तुमको सला क्या मालूम क्या उसके बारे में। Are you getting my point? Yes. तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम अपना फ्री इंडिया ये वो चिन 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 चालू था, और तुम तो ऐसा बात कर रहे थे, बात ऐसे कर रहे हो जैसे कहीं जमाने से तुमको मिलने के लिए वो तड़प रहा था, या तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए दूरबीन लगा कि कई सालों से गली गली में तुम्हें ढूंढ रहा था, और तुम उसके जीवन में आ गया और बोला ये कर ले और वो करने को चालू हो गए, ऐसा कोई बात नहीं। अब हम बोलते हैं इंप्लीकेशन क्वेश्चन। अभी हमने उसको बोला ये तेरी परिस्थिति है, बोलता है 3.5 लाख का खर्चा होएगा आर्किटेक्ट बनाने का, ठीक है तो आपने क्या बंदोबस्त किया है? तो उसको पूछा तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया, बोले मैंने कोई बंदोबस्त नहीं किया। तो हम बोलते हैं इसका क्या परिणाम होएगा, इंप्लीकेशन यानी के व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होगा इसको अगर बंदोबस्त नहीं करेंगे, तो हम उसको कैसे पूछते हैं? व्हाट विल हैपन इफ यू डू नॉट प्रोवाइड फॉर योर सेंसेस। अगर आप अपना लड़के का ये आर्किटेक्ट के लिए जो आप बता रहे थे कि आप उसको आर्किटेक्ट बनाना चाहते, उससे बुलवाया था अपन ने, अपन ने नहीं बोला, अपन बोलेगा तो फीस का पैसा अपने को देना पड़ेगा, उससे बुलवाया तुम क्या बनाना चाहते हो, वो बैठ के नहीं सोच रहा था, हमने उसको सोचने के लिए मजबूर किया, फिर उस कोर्स के लिए कितना पैसा लगेगा ये भी उसके मुंह से निकाला, वो अमाउंट भी उसके मुंह से निकाला, वो प्रोफेशन भी उसके मुंह से निकाला, कितना खर्चा होगा वो भी उसके मुंह से निकाला। क्यों? क्योंकि जब वो बोलता है तो वो सोच रहा है। कई बार हम जो बोलते हैं तो हम सोच रहे हैं, हम बोलेंगे तो हम सोच रहे हैं उसके लड़के के बारे में, लेकिन वो नहीं सोच रहा, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। व्हाट विल हैपन इंप्लीकेशन यानी कि इसके इसकी ये अगर परिस्थिति है, और अगर इस परिस्थिति में ये प्रॉब्लम है, समस्या है, और इस समस्या को ना सुलझाने से क्या परिणाम होगा ये हम पूछ रहे। तो बोलेगा और चुपचाप बैठो,
चुपचाप बैठ के उसका बात सुनो। कीप योर माउथ शट। सबसे मेन प्रॉब्लम एफआईसी वालों का क्या है, बात करने का बहुत शौक है और अपनी आवाज से साले लोगों को इतनी मोहब्बत हो गई है कि कोई दूसरे का लाइफ उसका कुछ समझने का ही नहीं, अपने को खाली समझाने का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द प्रॉब्लम। जो लोग जुड़ते नहीं है तुम्हारे साथ आज, जो तुम्हारा संघर्ष के बावजूद भी लोग अगर जुड़ नहीं रहे हैं और नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि तुम्हें उनकी पड़ी नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारा रोकड़ा पानी गिर रहा है बोल के तुम मर मर के दूसरे को दबाने के चक्कर में। What would happen because of that? वो बोलता है अगर आपने अगर ये बंदोबस्त नहीं किया तो क्या होगा। बोलता है वैसे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि बेचारे का पढ़ाई रुक सकता है। What would happen because of that? अगर पढ़ाई नहीं हो सका और उसके जो सपने हैं वो साकार नहीं हो सका तो क्या होगा। तो बोलता है शायद वो गलत मार्ग पे चला जाएगा, शायद वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, शायद लाइफ में एकदम माड़ा टेढ़ा काम करेगा। How would you feel if you are not in a position to provide for the money? आपको कैसा लगेगा जब 19 बरस के उम्र में जब उसको पैसे देने की बारी जब आती है, बाप होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है उसकी पढ़ाई की बंदोबस्त करने के लिए, और जब आपके पास वो पैसा नहीं होगा तो आपको कैसा लगेगा बताइए शेट्टी साहब। बोलता बड़ा बुरा लगेगा मेरे। और अपन ने यह भी बात करवा लिया कि अभी की उसकी जो इनकम है उससे ये काम होने वाला नहीं है, ये भी एहसास दिला दिया। प्रॉब्लम भी खड़ा कर दिया उसके लाइफ में, सिचुएशन को भी एहसास दिला दिया, वो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेगा तो उससे इंप्लीकेशन या परिणाम भी दिला दिया। अब हम उसको बोलते हैं, पहला हमने क्या पूछा, सिचुएशन यानी परिस्थिति, फिर हमने पूछा प्रॉब्लम उस परिस्थिति समस्या, फिर हमने उसको इंप्लीकेशन यानी के परिणाम क्या होगा इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करेंगे। ये जो आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें से जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने की वजह से आपके जिंदगी में क्या परिणाम होगा वो उसको याद दिलाया। अब हम उसको नीड पे ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी के अगर इसने इस सिचुएशन का बराबर समाधान किया तो इससे मिलने वाले फायदों के बारे में उसे याद दिलाएगा। तो हम उसको समाधान का मूल्य, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मिलने वाला समाधान और उसके जो मूल्य है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब चौथा क्वेश्चन एग्जांपल, व्हाट बेनिफिट विल यू एंजॉय इफ यू सॉल्व योर सन्स एजुकेशन प्रॉब्लम फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। अगर आप अपने बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम, या आप अपनी बेटी का शादी का प्रॉब्लम, या आप अपने बड़ा घर लेने का जो प्रॉब्लम है, अगर आज से ही अगर आप उसके ऊपर काम कर देते हैं, चालू कर देते हैं किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ काम करके, अगर इन प्रॉब्लम्स को एक एक करके आज से अगर आप सॉल्व करने को चालू करते हैं और उसके लिए जो पैसा लगता है वो बनाने को आज से ही अगर आप चालू कर देते तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स, क्या फायदे मिलेंगे ये बताइए। If your dream comes true, अगर आपके सपने साकार हो गए, how will you feel? आपको कैसा महसूस होगा? What will happen to you and your family? आप और आपके फैमिली में, आपका लड़का इंजीनियरिंग हो गया, आपका लड़का आर्किटेक्ट बन गया, आपकी लड़की की शादी हो गई, आपके फैमिली में और आपको किस तरह का महसूस होगा, किस तरह का फीलिंग होगा कुछ बताइए। और फिर हम उसको ही पूछते हैं, What do you think should be done, sir? क्या करना चाहिए? कामलेश साहब क्या करना चाहिए? ऐसा हम उसको पूछते हैं, आपका ये सब प्रॉब्लम सिचुएशन ये तो है, क्या करना चाहिए? ऐसा उसको देख के बैठ जाने, 90% टाइम अगर आपने बराबर खींच लिया ना ये
90% ऑफ टाइम वो क्या बोलेगा, तुम बताओ क्या करने का, कभी बताने का, तुम बताओ, वो बोलेगा तभी खोलने का, उसके पहले नहीं खोलेगा। फिर फ्री इंडिया के शेट्टी तभी खोलने का, उसके पहले नहीं, उसके पहले तुम अगर करोगे उसका कोई फायदा नहीं। तुम साला संघर्ष करके खाली हाथ जाएगा, संघर्ष मत करो, मत करो, मत करो। तो जब वो बोलेगा आप बताओ क्या करना चाहिए, शेट्टी साहब आप बताओ, आप बताओ क्या करना चाहिए, जडेजा साहब जब वो आपसे पूछता है तब हम उसको अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या अपने जो काम है उसके बारे में बताएगा। तो इंटरेस्ट के साथ सुनने की चांस है, कोई गारंटी नहीं, कुछ गारंटी कभी कुछ नहीं। साइंटिफिक स्टेप्स ऑफ सेलिंग को फॉलो करने से ये कभी साबित नहीं होता कि 100% कस्टमर लेगा, लेकिन अगर 10 बार अगर आप ये करेंगे तो 7 बार आपको सेल मिलेगा, 6 बार आपको सेल मिलेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 10 बार में शायद एक या आधा या पाव या एक भी बार आपको सेल नहीं मिलेगा। तो सेल्स की संख्या अगर आपको बढ़ानी है, आपको अपना हिट रेशियो अगर आपको बढ़ानी है, आपको अपना अगर कन्वर्जन रेशियो अगर आपको बढ़ानी है, तो आपको ये करना पड़ेगा। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग घर जाके आज कल परसों में बैठ के इसके ऊपर बराबर विचार कीजिए कि मैं जो कर रहा हूं क्या कर रहा हूं। खाली उठ के पागलों के मफद इधर गया उधर गया, लिस्ट बनाया, किसी ने बोला लिस्ट बनाया और मैंने वो लिस्ट बनाया, वो बोला जा उधर जा, उधर जाके खड़ा हो गया, कोई बोला उधर टीएससी में लेके आया, उसको टीएससी में लेके गया, उसको बोला बीएसटी में लेके जा, उसको बीएसटी में लेके गया, किधर किधर कुछ 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 करता है। तुम लोग ये सोच के कि क्या कुछ 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 बहुत कुछ करने से कभी कभी कुछ कुछ हो जाएगा, और ज्यादातर कुछ नहीं होता, और फिर तुम फ्रस्ट्रेट होता है कि ये धंधा अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, साला ये प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम है, दुनिया भर का प्रॉब्लम फिर आता है। और जिंदगी के सपने जब अधूरे अधूरे होते जाते हैं तो जिंदगी से लगाव भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत अधूरे हो गए बहुत सारे लोग इस दुनिया में है जिन्हें तुम प्रोत्साहित करने जा रहे हो, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करने के पहले तुम्हें उन्हें प्रोत्साहित कैसे करना है इसका टेक्निक समझना पड़ेगा। अंधाधुंध किसको भी जाके कुछ भी बोलने से काम नहीं चले, और अगर अंधाधुंध जाके कुछ भी बोलने से लोग अगर जुड़ भी जाते हैं तो लंबा टाइम तक वो लोग काम नहीं करते। 2-4 दिन अपना टॉक भी देने के बाद यस सर जानूंगा तुम्हें इस तरह जलगौना तुम गया नहीं कि सारा बोलते तेलस जानूंग कैसा बोलतो ते करायचं हे करायचं त्याला काय माहिती इकडे काय काय प्रॉब्लेम आहे। अरे मुंबई डिफरंट आहे आमच्या जळगाव करके आदमी उधर अपना स्टोरी सुनाता। सो दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हाट इज टू बी डन। अब यहां पर आती है अपना सेल्स का तीसरा स्टेप। आदमी एकदम तैयार बोलता तू बोल करने का क्या है, उसको प्रॉपर ओपनिंग करके हमने उसका पहला क्या लिया, अटेंशन लिया, रिश्ते के क्वेश्चन पूछ के हमने उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया, प्रोबिंग करके हमने उसके अंदर इंटरेस्ट को पैदा किया। तो पहला हमने ओपनिंग करके अटेंशन लिया, प्रोबिंग करके हमने उसके अंदर इंटरेस्ट को पैदा किया, और प्रोबिंग भी पहला उसका SPIN सिचुएशन प्रॉब्लम इंप्लीकेशन नीड पे, और परिस्थिति क्या है समस्या क्या है
समस्या को सॉल्व नहीं करेगा तो परिणाम क्या होगा, और इसे सॉल्व करोगे तो उससे क्या फायदे और मस्ती आपके लाइफ में होगी, ये पूरा उसकी परिस्थिति को समझ के, उसको समझा के, अपन ने जब उसको तैयार करके पूछा तो अभी करना क्या है, तो वो बोलता आप बताओ तो हम चालू करेंगे अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में और अपने हर चीज के बारे में बताने को हम शुरू करेंगे। इन आवर कंपनी, यू नो, तो कंपनी के बारे में हम उसको बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में हम उससे बताएंगे, सर्विसेज के बारे में हम उससे बताएंगे। आपके आंखें बोलता है, प्रोडक्ट के बारे में भी बात जब करते हैं तो हमें किस तरह से बात करना है, आपने कभी बर्गर देखा, बर्गर अपना इंडियन वड़ा पाव के मफत ही है, आपने मैकडोनल्ड का दुकान देखा हो ना, बड़े बड़े मैकडोनल्ड, उसमें बर्गर होता है, बर्गर खाने की वस्तु होती है, आपने से कईयों ने खाया होगा, कईयों ने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, बर्गर होता है नीचे, ऊपर एक क्या होता है, ऊपर एक बन होता है, नीचे एक बन होता है, बीच में वो फिलिंग होता है, मसाला होता है, कभी वेज होता है, कभी चिकन होता है, और उसमें बीच में एक कांडी लगी रहती है, टूथपिक रगा रहता है उसको साथ में पकड़ने के, इसे ध्यान से जरा देखना, आपको अपने कंपनी के बारे में बर्गर के फॉर्म में बताना है, आपको अपने कंपनी के बारे में या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या अपने सर्विस के बारे में बर्गर के फॉर्म में बताना है। तो देखिए, ऊपर होता है बन, नीचे होता है बन, बीच में होता है फिलिंग या मसाला, चिकन हो सकता है, वेज हो सकता है, ये, और बीच में उसको एक कांडी लगा दिया, ये है बर्गर। पर ये समझने के पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, अगर आप टीवी लेने के लिए गए, आपको बड़ा मूड आया कि अभी एक अपना पुराना हो गया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, अपने को 21 इंच का अच्छा कलर टीवी लेने का है, ऐसा आपने मन में सोचा और आपने कहा कि चलो टीवी लेते, आप दुकान में गए, टीवी एलजी टीवी आपके सामने रखा हुआ है और आपने उस एलजी टीवी को देखा और सेल्समैन बोलता है सबसे बढ़िया बात ये टीवी की मैडम ये है, इसमें गोल्डन आई टेक्नोलॉजी है, आप मैडम येलो सलवार कमीज, आपको क्या समझ में आया, मैं वो सेल्समैन हूं, मैं वो टीवी बेचने वाला वो सेल्समैन हूं, मैं उस टीवी की तरफ देख के आपको बताता हूं, मैडम आपका नाम क्या है, मिस कौर, ओके मिस कौर, सबसे बढ़िया बात ये एलजी टीवी की ये है कि इसमें गोल्डन आई टेक्नोलॉजी है, आपको क्या समझ में है, कुछ समझ में है, कुछ भी समझ में नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं है। अगर मैंने अगर आपको बोला सबसे बढ़िया बात मिस्टर कामले इस घड़ी की ये है कि इसमें सफायर क्रिस्टल ग्लास है, आपको क्या समझ में आया, कुछ भी समझ में आया। देयरफॉर इसको बोलते हैं फीचर्स, लेकिन अगर यही बात मैंने अगर आपको ऐसे समझाया होता कि सबसे बढ़िया बात मिस कौर इस टीवी की ये है कि इसमें गोल्डन आई टेक्नोलॉजी है, इसके वजह से आपके रूम के लाइट के हिसाब से इसका स्क्रीन का कलर बदलता रहता है ताकि आपके आंखों में बिल्कुल स्ट्रेन नहीं हो, अभी समझ में आया, आर यू क्लियर। और अगर मैं बोलूं सबसे बढ़िया बात ये घड़ी की ये है
कि इसमें सफायर क्रिस्टल ग्लास है, देयरफॉर गलती से भी आप इसके ऊपर लिखेंगे या किधर उसको टोकर भी कर मारेंगे, इस ग्लास के ऊपर बिल्कुल कभी कोई स्क्रैच नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका ये घड़ी सुंदर बहुत लंबा टाइम तक दिखेगा। अभी समझ में आया? Yes. तो एक चीज को पेश करने का तरीका होता है, एक चीज को पेश करने का तरीका होता है, साइंटिफिक तरीका। किसी जमाने में इसके ऊपर मेरे को अगर आप 3 घंटा देंगे और तो मैं इसको बहुत गहराई से समझाऊंगा, लेकिन अभी इसे पेश करने के लिए एक और ख्याल पेश करता हूं। ये बर्गर का ऊपर है बन, नीचे है बन, बीच में है फिलिंग और ऊपर से लगा हुआ है वो टूथपिक, बोलते हैं ना, क्यों रखा उसमें टूथपिक? ये तीनों चीज को पकड़ के रखने के लिए, ताकि अलग अलग ना हो जाए। अब जब आप इस बर्गर को लेते हैं और समझो आपने इसे खाने के एकदम उसको आपने वो दुकान में गए मैकडोनल्ड में और आपने उसको बोला मेरे को एकदम बढ़िया सा स्पाइसी लच्छेदार बर्गर देना, और उसने एक बर्गर आपको दे दिया और आपने हाथ में पकड़ा है और आपने मुंह में डाला है और आपका दांत ऊपर का बन में से आधा वहां से आपका दांत यहां तक बीच में आ चुका है और आपका नीचे का दांत यहां तक आ चुका है, क्या आप बर्गर को एंजॉय कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि बीच का मसाला अभी आपके जुबान को लगी नहीं है, थोड़े ही सेकंडों के बाद आपने उसको बाइट मारा और आपने मुंह में अंदर ले लिया उसको, और वो फिलिंग और उसका मसाला और उसका जो लच्छेदारनेस है वो सब आपके मुंह में आने की वजह से आपको टेस्ट आने को चालू हो गया। यस और नो? यस। करेक्ट। अभी ध्यान से सुनो, आज रात को आपने ये खाया, आपको बड़ा आनंद आया, आपको लगा कि कल भी खाना चाहिए, आप वही दुकान में, थाना में, वाशी में या जिधर भी आपने इसको देखा, आप उसके पास गए, बोले कल मैं आया था, बोले हाँ सर आप आए थे, यस मैडम आप आए थे, कल के माफ़द एकदम बढ़िया सा वेज बर्गर एकदम स्पाइसी एकदम फर्स्ट क्लास मेरे को बना के दो, तो बोले कोई बात नहीं सर, और वो तुम्हें वो लाता है और ऊपर का जो बन है वो पहना देता है खाली ऊपर, बोले